आज हम समझेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर को लाइन बाय लाइन हिंदी में। ये पोयम एक छोटी सी पोयम है पर इसका इम्पैक्ट और इसका मैसेज बहुत बड़ा है। ये एक विजन है, एक सपना है एक नेशन के लिए, हमारे नेशन के लिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर देखते हैं और इस पोयम में व्यक्त करते हैं। तो ये पोयम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ही एज इंडियंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए इस पोएम की फर्स्ट टू लाइन्स को समझने से शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। पोएट कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर माइंड यानी हमारा दिमाग, हमारा मन किसी भी डर के बिना हो, विदाउट फियर हो, और जो हमारा सिर हो वो हमेशा ऊंचा रहे, हमें किसी के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत ना पड़े, और जहाँ पर नॉलेज हो यानी ज्ञान हो, एजुकेशन हो, फ्री हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि ये नॉलेज ले सकता है या ये नॉलेज नहीं ले सकता, सबके लिए फ्री हो। नेक्स्ट टू लाइन्स, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर पोएट एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ सकरी सकरी दीवारें जो हर किसी ने खड़ी कर रखी हैं अपने आसपास, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पूरी कंट्रीज़ हों जो कि एक दूसरे के खिलाफ बाउंड्रीज खींच लेती हैं, किसी भी लेवल पे कोई भी दीवार ना हो और वर्ल्ड जो हो, दुनिया हो, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटी हो, पूरी एक जैसी हो, फ्री हो, और हर किसी को वहाँ पर जीने का पूरा अधिकार हो। अगर हम अपने आसपास ही देखें तो हम ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि लोग हर टाइम एक दूसरे से अलग रहने के लिए वॉल्स बनाते रहते हैं, दीवारें खड़ी करते रहते हैं, कभी कास्ट की, कभी जेंडर की, कभी सोसाइटी की, कभी स्टेट्स की, कभी कंट्रीज़ की। पोएट हमारे कवि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ पर ऐसी सकरी यानी नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच वाली वॉल्स नहीं होंगी। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं, Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. अब पोइट बताते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर शब्द हैं वो सच्चाई की जो गहराई है वहाँ से निकल के आए, और tireless striving मतलब लगातार बिना थके कोशिश करते रहने से जो एक perfection अचीव होता है वो अचीव हो, यानी हमेशा परफेक्शन की ओर अपने हाथ, अपनी आर्म्स को ऐसे बढ़ाते रहें। इन लाइन्स का मतलब है कि हम हमेशा सच्चाई की बात करें और कुछ अच्छा, कुछ परफेक्ट जो हमारे मन का हो, मन में जो परफेक्शन का आइडिया है वो करने के लिए हमेशा बिना थके अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, हमेशा अपनी आर्म्स, हाथ आगे फैलाते रहें परफेक्शन अचीव करने के लिए। फिर चाहे वो हमारे पर्सनल लेवल पे हो, अपनी लाइफ में हम परफेक्शन अचीव करें, या एज अ सोसाइटी। लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन्स, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। ये मेरी फेवरेट लाइन्स हैं इस पोएम में से, एंड हम फर्स्ट आइडिया को समझते हैं, वेयर से लेके हैबिट तक जो आइडिया है। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ की रीज़न की जो स्ट्रीम हो यानी नदी हो वो क्लियर हो, और रीज़न यानी हम सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहती हुई चली जा रही हो एक नदी की तरह बिल्कुल साफ, और उसने अपना रास्ता ना खोया हो और किसी सुनसान रेगिस्तान की रेत में ना खो गई हो। और वो सुनसान रेगिस्तान किस चीज़ का है? डेड हैबिट, वो हैबिट्स जिनका कोई रीज़न नहीं होता करने का, बस हम करते हैं। इस चीज़ का ये मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम देखें, एक हमारी हैबिट बन जाती है, लेकिन उन चीज़ का रीज़न और उनका कारण ये सब हम नहीं ज़्यादा तोलते कि क्या है कि हम ऐसा करते हैं। वैसे ही हमारी हैबिट बन जाती है कि औरतें हैं वो किचन का काम करेंगी और जो आदमी हैं वो बाहर का काम करेंगे, क्योंकि वो आदत बन गई, हम ऐसे ही देखते हुए आए हैं ज़्यादातर लोग, तो वो उस चीज़ को कभी रीज़नेबल, उसे कभी अपने जो उसकी सोचने समझने की शक्ति होती है उससे कभी तोल ही नहीं पाते। ऐसे ही हमारी जनरेशन में फ़ोन चलाने की आदत हम लोगों को लग गई है, और कई लोगों को कहते हुए सुना है मैंने कि फ़ोन के बिना तो वो जी नहीं सकते या इंटरनेट के बिना वो जी नहीं सकते,
ये सही है कि इंटरनेट एक काम की चीज़ भी हो सकती है और फ़ोन एक काम की चीज़ है, लेकिन ये सोच लेना कि ये आदत है हमारी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कभी अपने रीज़न से, अपने सोचने समझने की शक्ति से कभी सोचना ही नहीं, तो वो एक गलत बात हो जाती है। तो टैगोर कहते हैं कि ऐसी दुनिया नहीं होगी, ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे हम हमेशा सोच समझ की जो नदी होगी वो बहेगी और वो किसी मरी हुई हैबिट, आदत की सुनसान डेजर्ट में नहीं जाके मिल जाएगी और सूख नहीं जाएगी। नेक्स्ट लाइन का मतलब है कि जहाँ पर दिमाग हमेशा आगे बढ़ता रहे, जब आप उससे आगे बढ़ाते रहें किसकी ओर, एक हमेशा बड़े होते विचार की ओर, बड़े विचारों की ओर और एक्शन और कामों की ओर, हमेशा आपका दिमाग किस डायरेक्शन में लगा रहे, बड़े विचार, बड़ा कुछ करना है, बड़ा कुछ सोचना है, उस डायरेक्शन में। लास्ट लाइन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अंत में लास्ट लाइन में पोइट प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जगह जो उन्होंने बताई चीज़ें, ऐसा हो जहाँ पर, ऐसे स्वर्ग में, ऐसे आज़ादी के स्वर्ग में माय फादर, मतलब गॉड को वो फादर कह रहे हैं कि हे भगवान मेरी कंट्री, मेरा नेशन जो है वो जागे, मतलब हम जो इंडिया है वो ऐसा बन जाए जैसा टैगोर ने सोचा है कि वहाँ पे ये चीज़ हो, नॉलेज फ्री हो, सब जैसा चाहे वैसा सोच रहे हैं, कोई वॉल्स ना हो लोगों के बीच में और हमेशा बड़ा करने की चाह हो लोगों में। तो ये इस पोएम का मीनिंग था। ये पोएम 1900 के अराउंड ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी। ये ओरिजिनल फॉर्म में अपने 1910 में पब्लिश हुई और बाद में जाके इसको गीतांजलि में इंक्लूड कर लिया गया और टैगोर ने इसको 1911 से 12 के दौरान ट्रांसलेट किया इंग्लिश, बात कर दिया इंग्लिश में, और इंग्लिश में बंगाली के मुकाबले इसको काफ़ी सिंप्लीफाई या सरल कर दिया गया और कई सारी लाइन्स को उन्होंने काफ़ी बदल भी दिया। इसका बंगाली नाम है चित्थो चेथा बॉय शुनो। अब हम टैगोर की लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका लाइफ स्पैन 1861 से 1941 तक था। को अपने पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, जिसको पाने के बाद ये पहले इंडियन तो बने ही नोबेल प्राइज़ पाने वाले, पहले नॉन यूरोपियन भी बने। टैगोर पोइट थे, प्लेज लिखते थे, प्ले राइट थे, कंपोज़र थे, म्यूज़िक बनाते थे, पेंटर भी थे एंड सोशल रिफॉर्मर भी थे, क्योंकि हमारे नेशनल मूवमेंट में जो आज़ादी के लिए था उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था और महात्मा गांधी को भी इन्होंने बहुत प्रभावित किया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी और फैक्ट्स पता हो इस पोएम के बारे में जो आप ऐड करना चाहते हो तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही रवींद्रनाथ टैगोर ने नॉवल्स भी लिखी हैं तो आप उन नॉवेल्स के नाम कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।